सावित्री आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल बंजर व्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर स्थित है जो कि है उन्नू की टोरिया। और ये टोरिया पे मंदिर बना है जो कि आप देख होगा काफ़ी ऊँचा है ये, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आसमान पर बना हुआ मंदिर है। और इस मंदिर पर पहुँचने के लिए हमें लगभग 300-400 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी तब हम उस मंदिर पे पहुँचेंगे। और ये चारों तरफ देखिए आप कितना घना जंगल है, और यहाँ पे पलाश के काफ़ी पेड़ लगे हैं जिससे कि इन पे फूल खिले हुए हैं पलाश के। देखिए आप चारों तरफ काफ़ी जंगल है और पहाड़ है, बहुत सुंदर नज़ारा है चारों तरफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो दोस्तों इसके लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपको आज इस वीडियो में इस मंदिर की सारी जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में आज आप कुछ अलग और बहुत खास देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम इस मंदिर पर। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और ये बहुत ऊंची टोरिया पे बना है, काफ़ी जंगल भी है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, और चलते हैं और सीढ़ियों पे और आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के अभी आए हैं, ऊपर आ गए हैं और सांस फूलने लगी है। और यहाँ से आप देखिए पेड़ों में कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं, बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी इतनी सीढ़ियाँ और रह गई हैं हमें चढ़ने को, तब जाकर हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। तो चलिए दोस्तों, सफ़र आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, अभी हमने 100 सीढ़ियाँ पार कर चुके हैं। ये लिखी हुई है कि यहाँ 100 सीढ़ियाँ, मतलब हम लोग पार कर चुके हैं और अब थकावट हो गई है। तो अभी 5 मिनट रेस्ट करने के बाद हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने 5 मिनट रेस्ट भी कर लिया है और हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। और आप देखिए मेरे पीछे का नज़ारा कितना सुंदर है, देखने में यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर नज़ारा है क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल पर। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग काफ़ी सीढ़ियाँ पार करके यहाँ तक आ गए हैं, और अब जितनी ये सीढ़ियाँ हमें पार करनी है, ये सारे सीढ़ियाँ खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो हमें चढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है और थकावट भी बहुत हो रही है। और हमें लेकिन अपनी मंजिल तक पहुँचना है, तो हम अपने सफ़र को जारी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आगे।
देखिए नीचे का नजारा कितना सुंदर है और मेरी बहुत सांस फूल लगी है, चिड़ियों को डरते चढ़ते आई हूँ। फ्रेंड्स हम लोगों ने 200 सीढ़ियाँ पार कर ली हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखी हैं 200 सीढ़ियाँ, हम लोग पार कर चुके हैं। अभी हमें और सीढ़ियाँ पार करनी हैं, तब जाकर हम अपने उस मंजिल तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे का सफ़र जारी रखते हैं ऐसे ही। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे विश्राम करने की जगह है, यहाँ पे आप जैसे थक जाते हैं तो यहाँ पे लोग बैठे हैं आराम से और आराम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए हम लोग 325 सीढ़ियां पार करके यहाँ हनुमान जी के मंदिर पर आ पहुंचे हैं। ये हमने सीढ़ियां पार कर ली हैं और ये तो यहाँ काफ़ी हवा चल रही है, देखिए मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। और काफ़ी ऊंचाई है, आप नीचे का नज़ारा देखिए बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ ऊंचाई पे हम लोग आ गए हैं तो हमें काफ़ी डर भी लग रहा है, बहुत ऊंची ऊंचाई पे हम बैठे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि हमने आपको एक बहुत प्राचीन मंदिर दिखाया जो कि हनुमान महाराज का मंदिर था जो ऊपर देखा है आपने। और यह देखिए यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे भी प्राचीन एक स्मारक बना हुआ है, तो हम आपको वहाँ पे ले चलेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं। हम आपको एक और मंदिर दिखाएंगे, ये छोटा सा मंदिर देखिए आपको दिख रहा होगा, छोटा सा मंदिर है, ये एक शिला पे ऊपर बना हुआ है। फ्रेंड्स ये इसकी सीढ़ियां हैं, ऊपर जाने का रास्ता यहीं से है, हम लोग ऊपर चलते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो देखने को मिलते रहें। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।